जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस वक्त जो है वो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के कुछ मसाइल हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पे दर पे जो है वो ऑपरेशन जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ रवा दवा है। पहले अयान अली, फिर डॉक्टर आसिम और फिर अजीज़ बलोच को गिरफ़्तार किया गया और उसके आप नतीज देख रहे हैं कि हलचल सियासी हलकों में जो है वो पैदा हो चुकी है, मगर एक तरफ ये मंजरनामा है और दूसरी तरफ जो इससे ज़्यादा संगीन ख़तरा पाकिस्तान को लाहक है वो है तकफीरियत का। मगर वहाँ पर हम देखते हैं जो कि मजहबी सियासी गुंडे तो गिरफ़्तार हो रहे हैं मगर मजहबी गुंडों के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा, जो कि सर फहरिस्त नाम लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अज़ीज़ का है, उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने वीडियो लिंक के ऊपर जिन शख्सियत को लिया है, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप जो है वो मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनाब खुर्रम ज़की साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे, आपको खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम जी। खुर्रम ज़की साहब, अभी हमने नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में ये सवाल उठाया कि पहले अयान अली को गिरफ़्तार किया गया, फिर डॉक्टर आसिम को और उसके बाद फिर उज़ैर अज़ीज़ बलोच को, और सियासी हलकों में एक कोहराम बरपा हो गया, बहुत सारे मामला हलचल सी मच गई। ये तो ऑपरेशन अपनी जगह पर बिल्कुल सही सिमत में आगे बढ़ रहा है मगर इसके दूसरे बरक्स जो हकीकी ख़तरा मुमलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान को है, वतन अज़ीज़ को, कि वहाँ पर जो मजहबी गुंडे बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो तकफीरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा, खुसूसन लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अज़ीज़ के ऊपर, इसकी वजह क्या है, आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं उज़ैर बलोच की बात करता चलूँ क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। उज़ैर बलोच की जो गिरफ्तारी है वो भी कोई तकरीबन एक साल बाद जाहिर की गई है, गुज़श्ता एक साल से वो कस्टडी में था और ये बात सबके इल्म में थी, एक ओपन सीक्रेट था। उज़ैर बलोच के हवाले से ये बात याद दिलाता चलूँ कि जब 2012 मई में, टू बी एक्सैक्ट, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लियारी ऑपरेशन शुरू किया था तो उस वक्त उज़ैर बलोच की हिमायत में ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और बल्कि साथ में जमात इस्लामी भी मैदान में आई थी, शबाब मिली ने मुजाहरे किए थे उज़ैर बलोच के हक में और लियारी ऑपरेशन के खिलाफ। तो खुद इस हवाले से भी जो कुछ लाइन में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम, लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे वीडियो लिंक में, हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, आपको हम दोबारा कॉल कर लेते हैं। माजी में सपोर्ट खराब किए बैठे उज़ैर बलोच के हक में अक़वाम मुत्तहिदा को एक लेटर भी लिखा था। तो बात यह है कि अगर उज़ैर बलोच की बात हो रही है और उसके सहूलतदारों के खिलाफ बात करना चाह रही है हकीकतन गवर्नमेंट या इदारे, तो फिर उनको चाहिए कि वो तमाम ग्रुप और वो तमाम लोग जो कि उज़ैर बलोच की मांगी पे अगर जरूरत तो उन तमाम लोगों पर हाथ डालना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना यकीन जुल्फिकार भुट्टो ने सपोर्ट किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो माजी में इस कालेदम ग्रोह को सपोर्ट करते रहे। जहां तक बात है मौलवी अब्दुल अजीज की, तो ये इस हवाले से जो डबल स्टैंडर्ड है, जो डबल स्टैंडर्ड है वो सबके सामने, डॉक्टर आसिम हुसैन उनकी उनके हवाले से जो रवैया है वो भी एक जानब है और दूसरी जानब कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बैठ के एक शख्स खुलेआम दाइश को दावत देता है, वहां जाने हफ्ता की तालिबात जो है वो दाइश को मुदाखलत के लिए लेटर लिखती है और मौलवी अब्दुल अजीज टीवी पर आकर उस लेटर को ओन करता है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो अभी पिछले एक हफ्ते में जो उसने जो वीडियो मैसेजेस जारी किए, अगर आप उनका बगौर मुशाहिदा कर रहे हैं तो खुलेआम हेट स्पीच कर रहा है, एक सेक्टेरियन एनवायरनमेंट और सेक्टेरियन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस को इंसाइट कर रहा है, इसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और फिर उसे एक हाथ आगे बढ़ के वो स्टेट इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करने की कोशिश करता है और वहां पे भी एक सेक्टेरियन डिवाइड पैदा करने की कोशिश करता है, फिरके की बुनियाद पे स्टेट इंस्टीट्यूशन को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। जब वो ये कहता है कि जनाब मेरे खिलाफ एक खास मसलक से
تعلق رکھنے والے آئی ایس آئی کے آفیشل جو ہیں وہ کاروائی کر رہے ہیں, ورنہ تو میرے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو یہ گویا وہ اسٹیٹ کے اندر, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اندر وہ ایک سیکٹیرین انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر اس کو بر وقت نہیں روکا جاتا تو یہ تو ان کی اٹمپٹ یہی ہے, پاکستان کو بھی یہ جو ہے شام اور عراق بنا دیں گے. مگر خرم صاحب وجہ کیا ہے؟ ایک انیشیٹو لے رہی ہے, ہم آگے آ رہے ہیں اس کے خلاف. ہم نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جو کنسرن پولیسٹیشن ہے وہاں درخواست دی ہے, لیکن مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے. مطلب ایک تو آلریڈی سول سوسائٹی ایکٹیویسٹ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالتے ہیں جب ان دہشت گرد گروہوں کے سامنے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے وہ ایلیمنٹ اسٹل مسنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, اور یہ جو چودھری نثار صاحب جو کھلے عام اس دہشت گرد کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو بھی اس چیز سے باز آنا چاہیے بطور وزیر داخلہ کی. ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ہے, نہ کہ ان لوگوں کا تحفظ کرنا جو کہ کھلے عام قانون کو بریک کر رہے ہیں, جو کھلے عام قانون کو توڑ رہے ہیں, جو ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کا مقصد پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کاروائی نہیں, یہاں پر ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کاروائی. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ کھلم کھلا ایک سہولت کار کا انجام جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے بھی تو ایک چیز ہوگی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے, ان کو کیا کہاں سے یہ انسٹرکشن مل رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے حکومت پاکستان کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے اور پاکستان کے اگینسٹ جو ایک کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر رہا ہے اس کے وہ سہولت کار بن چکے ہیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ چودھری نثار کے حلقے میں سب سے پہلے جو ہے, اگر آپ کو مرکز آواز صاف نہیں آ رہی, دوبارہ سے کال کر لیتے ہیں, اس کال کو ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے کر لیتے ہیں, اس پہ صاف آواز نہیں آ رہی, تاکہ تصویر اور آواز دونوں صاف آ جائیں. ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ پہلے ہم نے سوال کیا کہ تمام جو ہے وہ جہتوں سے آپریشن جو ہے وہ اپنے مندفی انجام کی طرف رواں دواں ہے, سیاسی اعتبار سے سیاسی جو ہے بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے رابطے میں تھیں, جن لوگوں کو پکڑا گیا پہلے ایان علی, پھر ڈاکٹر عاصم, پھر عزیر عزیز بلوچ, اور انہوں نے بہت جو ہے وہ نام وام لیے ہیں. جیسے ابھی خرم زکی صاحب بتا رہے تھے کہ بہت عرصے کے بعد, تقریباً سال بھر کے بعد جو ہے وہ گرفتاری شو کی گئی ہے, مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک جو حقیقی خطرہ موجود ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے یقیناً, لا اینڈ آرڈر خراب کرنے میں, لوگوں کو اغوا کرنے میں, موبائل اسنیچنگ کرنے میں, رابریز کرنے میں, لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنے میں, جو کہ چند پیسوں پر, چند ہزار روپے میں کسی کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے, تو یہ تمام چیزیں بھی اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہیں, مگر ان سے بڑا ایک خطرہ ہے جو کہ تکفیری ایلیمنٹ ہے, جو کہ باقاعدہ ایک پوری فورسز کو پاکستان میں دعوت دے رہا ہے, جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں شام کا حال دیکھ چکے ہیں, لیبیا کا حال دیکھ چکے ہیں, ابھی آپ عراق کا حشر دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کیا حشر کر کے چھوڑا ہے, وہ ایسے ایلیمنٹ کو ایک پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ کے جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے, مگر اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. وہاں پر وزیر داخلہ صاحب جو ہیں چودھری نثار صاحب وہ اس کے سہولت کار بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حالانکہ ان کو عہدے کی اگر وہ پاسداری کریں تو دو گھنٹے بھی عبدالعزیز کو جو ہے وہ وہاں پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے, وہ جیلوں میں کٹھیرے کے پیچھے ہو. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس بات کو کھولا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے, ان کے اوپر کیا سعودی پریشر ہے, کیا وجہ ہے, یا فوج کے اندر بعض قوتیں ہیں جو ان کو کام نہیں کرنے دے رہی, کیا وجہ ہے؟ ہم چاہیں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمارا رابطہ خرم زکی صاحب سے بحال ہو جائے, تو ان سے ہم یہ سوال کر سکیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں جو ہے وہ چودھری نثار صاحب اس کے آرڈر نہیں دیتے, کیا وجہ ہے کہ ایک آپریشن سیاسی سمت میں تو کامیابی سے آگے جا رہا ہے, مگر مذہبی حساب سے جو شدت پسند بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ مملکت پاکستان کے لیے پوری جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں, پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں, پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں اور اس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ ناظرین رہے گا اپنی طرف کے,
एक बिल्कुल सामने की चीज़ है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में कहीं पर भी खुद मुख्तार मुल्क में जहाँ की आर्मी इतनी स्ट्रांग हो, अगर वहाँ पर जो है वो कोई भी स्टेट के ख़िलाफ़ बात करता है और उसके ऊपर बगावत के चार्जेस होते हैं तो बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी फांसी दे दी जाती है और बिल्कुल आर नहीं की जाती, परवाह नहीं की जाती। मगर हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जहाँ पर एक आदमी खुल्लम खुल्ला बैठ कर जो है वो, और उसकी सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, सारी वो ऑब्जर्वेशन जो उस ज़माने में जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे फायर भी खोला था, हमारे जो है वो जवानों को शहीद भी किया था, तमाम चीज़ें होने के बावजूद वो दोबारा दाइश को दावत देता है। जामे हफ्सा की तालिबात जो कि उसकी ट्रेंड औरतें हैं वो भी जो है वो दाइश को दावत देती हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं मगर उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। ये सवाल रहेगा अगर हमारा रब्ता खुर्रम ज़की साहब से बहाल हो जाता है तो हम जो है वो दोबारा इस सवाल को उठाएंगे कि आखिर क्या वजह है, आया सऊदी प्रेशर है तो मालूम होना चाहिए, आया फ़ौज के अंदर अभी भी एक पेज के ऊपर नहीं है, कुछ पुराना एलिमेंट ज़ियाउल्लाह के ज़माने का काम कर रहा है, लॉबिंग हुई भी है तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए। आखिर मीडिया के ज़रिए ये बात होनी चाहिए कि हम कब तक पाकिस्तान का और वहाँ के मज़लूम लोगों के खून का जो है वो सौदा करते रहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हमारा राबता दोबारा जो है वो खुर्रम ज़की साहब से बहाल हो गया है और हम दोबारा आपको खुश आमदीद कहेंगे खुर्रम ज़की साहब। और हम उस वक्त सवाल ये कर रहे थे कि सियासी तौर से तो ऑपरेशन जो है वो अपने ज़ोर शोर से जारी है मगर जो उसके बरक्स मामलात मज़हबी तौर से जो हैं जो लोग पाकिस्तान के लिए कलंक का टीका बन गए हैं, खुसूसन मौलवी अब्दुल अज़ीज़ जैसे लोग, उनके ऊपर आपने कहा कि उनको उनकी सहूलतकारी के फ़राइज़ जो है वो वज़ीर दाखला साहब अंजाम दे रहे हैं, तो मेरा सवाल ये था कि आखिर क्या वजूहत है कि वो इस अहदे का पास नहीं रख रहे, ऐसी क्या पीछे क़ुव्वत है, आया वो सऊदियों का उनके ऊपर प्रेशर है या हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आर्मी के अंदर कुछ ज़ियाउल्लाह के वक्त की लॉबिंग हुई हुई है, वजह क्या है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, ये सारी बातें खुद एक ऑफ कोर्स इन तमाम ग्रुप्स को, ये जितने भी बैंड टेरिस्ट और फिट्स हैं और इनके हवाले से ऑलरेडी रिपोर्ट तो मंजर आम पे आ चुकी है, वो कोई राज नहीं है कि इन तमाम ग्रुप्स को सऊदी हुकूमत फंड करती है और गुज़श्ता कई सालों से फंड करती आ रही है। दूसरी जानब खुद चौधरी निसार साहब, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो ये ज़िया की बाकियात में से हैं और इनकी हमदर्दियां, इनकी सारी लॉयल्टीज इन्हीं बैंड आउटफिट्स के साथ, इन्हीं टेरिस्ट आउटफिट्स के साथ, इसी तकफीरी फिक्र और सोच के साथ है। यानी दहशतगर्दी पर मबनी सोच जो जनरल ज़िया के जमाने में पाकिस्तान में राइज की गई उसका हिस्सा रहे चौधरी निसार साहब शुरू से। तो ऑफकोर्स इनसे ये तवक्का रखना कि इस हवाले से कोई कॉन्क्रीट एक्शन उठाएंगे वो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। बतौर वजीर दाखिला की इनकी जिम्मेदारी आईनी कानूनी जिम्मेदारी अखलाकी जिम्मेदारी है लेकिन इस पर अमल बरामद नहीं हो रहा। आप नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर आप देखें तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बुनियादी तौर पे मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ सामने लाया गया था। जब हमने देखा था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 150 बच्चे मासूम तालिब इल्म इस दहशतगर्द गिरोह के हाथों शहीद हो गए थे, लेकिन गुज़श्ता एक साल में हमने देखा कि मार्च के बाद से जो फोकस है वो इन बैंड आउटफिट्स के बजाय वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ हो गया, सियासी जमातों की तरफ उसका रुख हो गया और सियासी जमातें उसका निशाना बनती रही। हमने देखा कि इब्तदा में एमकेएम के खिलाफ अपने लेटर ऑन पीपल्स पार्टी टारगेट बनी। ये बात सही है कि जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो उनको क्रश होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो आपका प्राइमरी फोकस था वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म था जिसके नतीजे में पाकिस्तान में 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। आपने पूरी कौम का एक कंसेंसस डेवलप किया, डेवलप हुआ बल्कि मैं कहता हूं आपने तो कुछ भी नहीं किया, डेवलप हुआ जब कौम ने देखा कि 150 बच्चे शहीद हो गए, उनके गले काट दिए गए, असाब में शहीद हुए। आपने कौम से वादा किया कि दोबारा ये काम नहीं हो सकेगा, प्रॉमिस किया, आईएसपीआर ने नगमा जारी किया कि दोबारा नहीं हो सकेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ, उससे पहले साने सफूरा हुआ, शिकारपुर वाला वाकया हुआ, इस्लामाबाद पिंडी में बारगाहों पर हमले हुए। यानी नेशनल एक्शन प्लान का जो प्राइमरी फोकस था वो जो फोकस है वो मेंटेन नहीं रह सका, बल्कि जो फांसियों का भी जो सिलसिला शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि फैब के बाद से जो ये मजहबी दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे उनको फांसी देना भी बंद कर दी गई। लश्कर जंगी के, सिपाही साहबा के, तहरीके तालिबान के जो दहशतगर्द जिनके ब्लैक वारंट जारी हो चुके हैं, जिनकी सारी अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं, अकरम लाहौरी जैसे दहशतगर्द, उनको फांसियां नहीं
दी गई वो अभी तक जेलों में बैठे हुए। तो नेशनल एक्शन प्लान पर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, मदारिस के खिलाफ कार्रवाई, खुद डीजी रेंजर्स ने कहा सिंध में, जनरल बिलाल ने, कि 10% तक मदारिस जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस है। क्या कार्रवाई हुई? 10% आपको मालूम है हजारों मदारिस है, कितने 100 मदारिस के खिलाफ सिंध में कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? उन लोगों को मंजर आम पे क्यों नहीं लाया गया? जिस वक्त हमने देखा सौलत मिर्जा की वीडियो आई, क्यों नहीं इन मजहबी दहशतगर्दों की ऐसी वीडियोस क्यों नहीं सामने आती कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन लोग इनको सपोर्ट करते रहे? ये सारे क्वेश्चन हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अगर इंप्लीमेंट नहीं होता तो आप देख रहे हैं कराची में अब स्कूलों को धमकियां मिल रही है। शुरू में वो भी एमक्यूएम पर डालने की कोशिश की गई बीच में, जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, जबकि उससे पहले दाइश से वाबस्ता लोग पकड़े गए थे। खुद पुलिस ऑफिशियल ने ऐलान किया था कि दाइश से वाबस्ता लोग ये स्कूलों को धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, जी धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन अब दोबारा से कराची में दोबारा वही फिनोमेना शुरू हुआ है। बात ये, अगर आप इन दहशतगर्दों को खत्म नहीं करते, इनकी नर्सरीज को खत्म नहीं करते, उस वक्त तक हम कोई वायबल काम नहीं कर सकेंगे जो हमने ओरिजिनली प्लान किया था। इसको हमने दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो इकदाम उठाए गए थे वो सब जाया हो जाएंगे अगर इन मदारिस के खिलाफ, उन मसाजिद के खिलाफ, उन मौलवियों के खिलाफ, उनके हामियों और सहूलतकारों के खिलाफ, जमात इस्लामी जो सबसे बड़ी सपोर्टर है इन दहशतगर्दों की, जिसके हेड जो है जाके बैंड आउटफिट के लीडर के साथ गले मिलते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, खुद उनके पास जाते हैं, ये तबलीगी जमात जो कि इनको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है पूरे मुल्क में, इन तमाम ग्रोहों के खिलाफ एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। वरना बहुत ही क्लियर बात है कि ये दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान को शाम और इराक बनाने जा रहे हैं, और जितने इनिशियल स्टेप्स इस हवाले से वो अपने एंड से ले सकते हैं वो सब वो लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को, इंटेलिजेंस इदारों को, हुकूमत वक्त को और जुडिशरी को, मगर खुरम साहब को, प्रोसिक्यूशन को, सबको एक कोहेरेंट एफर्ट की जरूरत है। मगर खुरम साहब ये चीज हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब ये लोग समझ रहे हैं, एक सिविलियन समझ रहे हैं, मगर एक जो फौजी हैं जिनके पास इंटेलिजेंस की मालूमात है, जिनके पूरी दुनिया में जिनका नेटवर्क फैला हुआ है, वो शाम को भी देख चुके हैं, इराक को भी देख चुके हैं, वो तमाम चीज़ें देख चुके हैं, आर्मी चीफ बयान भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान पर दाइश का साया नहीं पड़ने देंगे, फिर क्या वजूहत है कि पूरी दाइश की प्लानिंग इनके सामने हो रही है और फौज उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, वजह क्या है? देखें जी, फौज के हवाले से, इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से जो बात है, ये सवाल सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हर शख्स कर रहा है कि फौज एक जानिब हम देखते हैं जब एक्शन लेने पर आती है तो डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मुश्किल हो जाती है, और जब एक्शन नहीं होता तो मौलवी अब्दुल अजीज खुलेआम दाइश के साथ इजहार वफादारी करके, अबू बकर बगदादी की बैत करके भी आजाद घूम रहा होता है, सारी बातें करके खुद ISI को ब्लेम करके भी आजाद घूम रहा होता है। तो ऑफकोर्स इस हवाले से जो फौजी जमान है उनको बयान देना चाहिए। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कंसर्न ऑफिशियल से, उनसे जो बात हुई है वो यही कहते हैं कि ये जो है एक आइकन ऑफ टेररिज्म है, सिंबल ऑफ टेररिज्म है मौलवी अब्दुल अजीज, और हम कतन इसकी पुष्ट पराई का सोच भी नहीं सकते, ये फौजी अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है, कर्नल हारून असलम समेत कितने 11 SSG कमांडोज के कत्ल में मुलव्वस है। लेकिन बात यह है कि जो बातें आप कर रहे हैं वो तो बहुत खुशाइन है, लेकिन उसको एक्शन में भी ट्रांसलेट होते हुए नजर आना चाहिए। हम सब इसका वेट कर रहे हैं, बतौर सिविल सोसाइटी के हम अपने एंड से जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जिंदगियों को अच्छा, अब डाल के वो इनके सामने आ रहे हैं। अगर आपने देखा हो अभी उम्मे हसन ने जो वीडियो जारी की, अगेन जितने हमारे एक्टिविस्ट हैं जो इस फ्रंट पर हैं बशमूल मेरे, सबको उसने धमकियां लगाई हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के करने का काम है, स्टेट के करने का काम है, वो स्टेट नहीं कर रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। यानी हमें एक हफ्ता हो गया तकरीबन, हम एक FIR दर्ज नहीं करवा रहे उस हवाले से जिस पर उसका वीडियो बयान मौजूद है मौलवी अब्दुल अजीज का, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मगर अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जहां पर भी अबू बकर बगदादी जैसे गुरुओं को, खवारिज को, इनको जो वहशियों को, हैवानों को, जिन्होंने भी दावत दी, उन्होंने वहां पर वीरान कर दिए इलाके के इलाके, तो अब ये तमाम चीज़ें हमारी इस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह समझ रही है कि अगर वो आ गए और उन्होंने एंट्री दे दी तो वो सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, दूसरे वो सियासतदानों को भी नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे इनमें से भी किसी को नहीं, कोई भी महफूज नहीं रहेगा जी, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये तो वो उन लोगों से पूछे जो इसको सेक्टेरियन कलर देने की कोशिश करते हैं, वरना दुनिया जानती है जिस मुल्क में गए वहां का इन्होंने पूरा निजाम, पूरा सोशल फैब्रिक, पूरा लॉ एंड ऑर्डर
सब कुछ खत्म कर देते हैं, यानी सिक्योरिटी इदारे तो प्राइमरी टारगेट है, प्राइमरी टारगेट होते हैं। जीएचक्यू पे अटैक नहीं हुआ, क्या आईएसआई हेडक्वार्टर पे अटैक नहीं हुआ, क्या पुलिस पर अटैक नहीं हुआ, क्या नेवल बेस पर अटैक नहीं हुआ, क्या एयरफोर्स बेस पर अटैक नहीं हुआ, मतलब ये सारी चीजें तो सबके सामने है, लेकिन स्टिल जो एक्शन होना चाहिए वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब एक सियासी मसलियतों की वजह से या गुड और बैड तालिबान की वजह से, आई डोंट नो कौन सा मिथ है कि जो एक्शन होना चाहिए था नेशनल एक्शन प्लान में जो प्रॉमिस हुआ था वो नहीं हुआ और बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला हो गया, हिफाजत नहीं कर सके अपने तालिब इल्मों की। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है कि देखिए, एक तो ये हो रहा है कि वो बैत कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, ये तो सामने की पिक्चर है जो जाहिर की जा रही है कि जी अबू बकर बगदादी के हाथ पे बैत कर ली कि आप दाइश एंटर कर दें। अच्छा, ये एक एक ये एक पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद वहाँ का हूँ, मैं खुद पाकिस्तान का हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि अंदर इनका कितना पोटेंशियल बैठा हुआ है, अंदर इनको बाहर से बुलाने की क्या ज़रूरत है, ये तो सिर्फ दिखा रहे हैं, अंदर इनकी पूरी दाइश बैठी हुई है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो अंदर कई लाख आदमी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक दें और मेरी इसलाह करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि क्या अंदर कई लाख इंसान इनके मौजूद नहीं है जो कि मुख्तलिफ मदरसों से मुख्तलिफ। तो कोई डाउट ही नहीं है, जो मदारिस का इन्होंने नेटवर्क पूरे मुल्क में कायम किया हुआ है इस तकफीरी गुरु ने, ऑफकोर्स इनके ऊपर जो इनके पास जो ये जो कारकुनान की सपोर्ट है, जो इनके सिंपेथाइजर्स हैं, जो इनके आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स हैं, उनकी तादाद तो बिला मुबाला बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि अगर इसके खिलाफ फौरी एक्शन नहीं लिया जाता तो ये जिस वक्त अपने लिहाज से मुनासिब समझेंगे ये उस वक्त मैदान में आ जाएंगे। क्या आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इनको क्रश करें? क्या मैं ये कहने में हक बजानेब नहीं हूं कि या तो फिर एजेंसीज इन पर हाथ डालते हुए डर रही हैं क्योंकि इनकी तादाद लाखों में है। अगर आप तबलीगी जमात के इज्तिमात ही देख लें तो वो लाखों में होते हैं, इसके अलावा सिपाही साहबा जो है वह जुंदुल्ला, लश्कर जंग भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ लश्कर तैयबा, और ये मुख्तलिफ बहुत सारी जैश वगैरह, जैश मोहम्मद, ऐसे हज़ारों जो है वो नामों से मुख्तलिफ तहरीक तालिबान और ना जाने क्या क्या एहरार हिंद जो जो मुझे जहन में आते जा रहे हैं, मैं लेता जा रहा हूँ, ये पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सब जाके जम हो जाते हैं तकफीरियत के अंदर। क्या ये वजह तो नहीं है कि इसको छेड़ते से वो 10 मरतबा अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर इनको छेड़ दिया तो कई लाख लोगों से जो है वो जंग शुरू होगी? जी देखें, पहली बात तो ये कि ये एक कॉमन आर्गुमेंट है जो दूसरे एंड से पेश किया जाता है कि जी ये बहुत इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, जहर माशरे में फैल चुका है, इसलिए हाथ नहीं डाल रहे। प्रॉब्लम ये है कि हाथ नहीं डालने की वजह से जहर का फैलना कम थोड़ी हो रहा है, वो तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर आप इसको मजीद डिले करते हैं और इस डर से कि जनाब पे कोई वायलेंट रिएक्शन होगा अगर हमने हाथ डाला, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जब वो फंक्शनल नहीं है, यानी मुसल्ला होकर मैदान अमल में नहीं आए ये लाखों लोग पोटेंशियली जो इनके सामने है, उस वक्त तो आप इनके ऊपर हाथ डाल सकते हैं, लेकिन जब एक दफा ये मैदान में आ जाएंगे तैयार होकर फिर आप कैसे हाथ डालेंगे? तो राइट टाइम यही है कि अभी वो जो उनका लड़ने वाला केडर है उसकी तादाद कम है, पोटेंशियल सपोर्टर यह ज्यादा है, लेकिन लड़ने वाला केडर जो मैदान अमल में वो कम है। इस वक्त तो आप उनको काउंटर कर सकते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी बाय एंड लार्ज लिबरल है, बहुत एकोमोडेटिंग है, बहुत तहमुल पसंद है। ये बात भी मैं बताता चलूं, आवाम की सतह पे अगर आप देखें तो नफरतें नहीं है, कोई फिरका वारियत नहीं है, लोग साथ मिल बैठ के शिया सुन्नी मसीह जितने भी कम्युनिटीज हैं सब सुकून से प्यार से मोहब्बत से अमन से रह रही हैं। लेकिन ये ग्रोह ऑफकोर्स आइडियोलॉजिकल वर्क कर रहा है, जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, नफरतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपने इनको टाइम दिया तो ये अपना जो आइडियोलॉजिकल फैला देंगे, उसकी तादाद ये बढ़ाते जाएंगे और बहुत जल्द या बदेर ये अपना जो लड़ने वाला केडर है इसको ये और ज्यादा एक्टिव कर देंगे और ज्यादा बड़ी तादाद में हमले शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जो है वो कम महदूद वक्त के अंदर जो है वो एक बहुत जामे और मुदल्लिल गुफ्तगू फरमाई। आप सुन रहे थे नाज़रीन पाकिस्तान से जनाब खुर्रम ज़की साहब को, आप मशहूर मारूफ एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपने तमाम चीज़ों को खोल खोल के बयान किया। बहर अभी इनके ऊपर अभी बहुत सारी बात जो है वो बाकी है और उसके ऊपर हमें आपकी हमारे कॉलर्स की जो है वो कीमती आरा भी दरकार होंगी कि देखें कि आप इसको किस तरह से कंसीव करते हैं, आप क्या कहते हैं। बहरहाल ये दर्द दिल है जो
हम लेकर आते हैं आपके सामने, इसको शेयर करते हैं, फिर हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉपिक भी अनाउंस करेंगे और लाइव कॉल्स भी खोलेंगे। चलें ब्रेक पर।